When we start standard 6 science chapter number 7 nutrition and diet. Previous class में हमने balanced diet के बारे में पढ़ा था, food of constitute के बारे में पढ़ा था, carbohydrate, fats, vitamin, mineral के sources देखे थे. आज हम पढ़े हैं how to get a balanced diet. Balanced diet मैंने previous class previous lecture में आपको समझाया था. To ensure that we get a balanced diet from the food we eat. वी कैन मेक अ फूड पिरामिड. आपने देखा कि हम जो फूड ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट में है कि नहीं. हमने फूड पिरामिड भी देखा. ऑल फूड विच वी ईट इज़ क्लासीफाइड इन टू वेरियस ग्रुप. सारे फूड्स के जो ग्रुप हैं क्लासीफाइड किए हैं अलग अलग ग्रुप में. लाइक पल्सेज अलग किए गए हैं, ग्राम्स अलग किए गए हैं, फूड मिल्क दूध पनीर वगैरह इनका ग्रुप अलग किया गया. मीट एग्स वगैरह को अलग ग्रुप दिया गया है. दिस स्पेस अलॉटेड टू ईच फूड ग्रुप इन द पिरामिड. इन सबको एक पिरामिड ग्रुप फूड ग्रुप में पिरामिड में स्पेस दिया गया है. डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन इन विच इट शुड बी इंक्लूडेड इन अवर डाइट. हमारी डाइट के अनुसार उनका कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए पिरामिड में उसको उस जगह पर दिया गया है. हैंस वी कैन चूज फूड फ्रॉम ईच ग्रुप डेली अकॉर्डिंग टू द स्पेस अलॉटेड इन द पिरामिड. उनके फूड के अकॉर्डिंग ग्रुप में बांटा गया है उनको और पिरामिड में उनको स्पेस दी गई है. इफ़ वी चूज सम आइटम फ्रॉम ईच ग्रुप इन द राइट प्रपोर्शन अकॉर्डिंग टू द पिरामिड शोन ऑन द पेज 53. ओके, आप देखिए चूज़ करिए हर ग्रुप में से आप हर पिरामिड में से राइट प्रपोर्शन में से अपना डाइट ले सकते हैं. वी कैन मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. आप इससे श्योर कर सकते हैं कि जो आपका बैलेंस आप जो डाइट ले रहे हो बैलेंस्ड है कि नहीं. लाइक अगर आप चपाती ले रहे हो तो साथ में आप राइस लीजिए, योगर्ट लीजिए. इस तरह से आप अपना डाइट को बैलेंस्ड बना सकते हो. इफ़ अवर नीड फॉर न्यूट्रिशन इज मेट थ्रू द फूड. अगर हमको फूड से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है हमारी आवश्यकता के अनुसार, वी ईट द न्यूट्रिशन आर बेटर यूटिलाइज इन अवर बॉडी. और वो उस न्यूट्रिशन का बेटर यूटिलाइज हो रहा है हमारी बॉडी में. हैंस द बेस्ट वे टू गुड हेल्थ इज टेकिंग अ बैलेंस डाइट. दैट मीन्स इस बैलेंस डाइट से हमारी हेल्थ अच्छी रखने का एक बेस्ट तरीका है. एंड अवॉइडिंग द डिफिशेंसी ऑफ एनी न्यूट्रिशन. और किसी भी न्यूट्रिशन की कमी से जो भी हमारी डिसीजेज हैं वो हमको नहीं होती हैं. ओके, फाइबर. इफ वी सेलेक्ट अ डेली डाइट विच इंक्लूड वेजिटेबल फ्रूट्स स्प्राउट्स एंड सीरियल अकॉर्डिंग टू द पिरामिड वी विल ऑल्सो गेट फाइबर इन सफिशेंट क्वान्टिटी. आपने अपने पिरामिड के अकॉर्डिंग डेली डाइट अगर सिलेक्ट की है तो उसमें अगर आपने वेजिटेबल फ्रूट स्प्राउट एंड सीरियल पिरामिड में से चूज़ किए हैं तो दैट मीन्स आप फाइबर सफिशेंट क्वान्टिटी में ले रहे हैं. ओके, व्हाट ट्रबल डू वी हैव टू फेस इफ वी डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम अवर डेली डाइट. अगर हम फाइबर डेली फूड में हम नहीं लेते हैं तो हाउ दे टेक टू लॉन्गर डाइजेस्ट. हमारा जो डाइजेशन है उसमें बहुत टाइम लगता है. इनरेगुलर एक्सक्रिएशन सिस्टम हो जाता है, लूज स्टूल आने लगते हैं, स्टमक पेन होने लगता है. दैट मीन्स हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. व्हाट केयर मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फाइबर इज नॉट लॉस्ट और रिमूव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट. वी मस्ट नॉट ओवर कुक द फूड स्टफ कंटेनिंग फाइबर. फ्रूट शुड बी ईटन रॉ. हमें फाइबर को बचा के रखने के लिए हमें जो हमारा फूड है उसको ओवर कुक नहीं करना चाहिए तथा फ्रूट्स को भी हमें कच्चा खाना चाहिए. वाटर अलॉन्ग विथ ऑल अदर न्यूट्रिशन द बॉडी ऑल्सो नीड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर. हमारे न्यूट्रिशन के अनुसार हमको बॉडी में पानी की भी उतनी ही आवश्यकता पड़ती है. फॉर दिस पर्पज़ वी मस्ट ड्रिंक मिल्क बटर मिल्क लेमन जूस शरबत फ्रूट जूस एंड प्लान्टी ऑफ वाटर. इन सब के साथ हमको मिल्क बटर मिल्क लेमन जूस शरबत इन सब को प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए. मेल न्यूट्रिशन अकर व्हेन ऑल द न्यूट्रिशन दैट द बॉडी नीड्स आर नॉट ऑब्टेन इन प्रॉपर प्रोपोर्शन फ्रॉम द डाइट.
मैल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है, दैट मीन्स न्यूट्रिशन की कमी, जो कि हमारी डाइट में प्रॉपर प्रपोर्शन में हमारी बॉडी को नहीं मिल रही है. दिस हैपन व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट सफिशिएंट फूड और व्हेन डाइट इज़ नॉट बैलेंस, जिसकी वजह से वो पर्सन को फूड में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जितना, और उसकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट नहीं है. इफ़ वन इज़ डाइट एक्सीड वन इज़ नीड, इट इज़ द ओवर न्यूट्रिशन. और कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने लगा है तो वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है. देखिए ये लाइक दैट, दिस इज़ मेल न्यूट्रिशन, दिस इज़ द ओवर न्यूट्रिशन. ये मेल न्यूट्रिशन है, दैट मीन्स इस बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी, और इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल चुका है. ओके, जंक फूड. जंक फूड आपको बताने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है कि सब बच्चे जंक फूड बहुत पसंद रहते हैं, लेकिन देखिए ये कितने नुकसान करते हैं हमको, वो भी हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है. चॉकलेट्स, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ास, पानी भी आ रहा होगा आपके मुंह में क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से ये सब चीज़ें आपको बहुत कम खाने को मिली होंगी, और ये आपकी हेल्थ के लिए, COVID-19 से लड़ने के लिए भी नुकसानदायक हैं. ये आपको, इसलिए पेरेंट्स आपको अवॉइड कर रहे हैं इन चीज़ों को देने के लिए. तो प्लीज़ आप लोग भी अच्छे बच्चे बनकर उनको इन चीज़ों के लिए फोर्स मत करिए. चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक, अट्रैक्टिवली पैकेज स्नैक्स, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, एज ऑल्सो रेडी फ्राइड स्टफ, फूड स्टफ अवेलेबल इन द मार्केट सच एज अ वड़ास, पकौड़ा, ये सारी चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, आर वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी होती हैं, माउथ वाटरिंग लाइक एंड वी लाइक दैम वेरी मच, और हमें अच्छी भी लगती हैं. However, these foodstuffs contain refined flour, sugar, oil in large proportion. इन सब चीज़ों में refined oil बहुत ज़्यादा use होता है, flour use होता है, sugar use होती है, जो कि बहुत ज़्यादा proportion में रहती है. When refined flour is made from wheat or when sugar is made from sugar cane. हमें पता है कि जो flour है, refined flour, that means मैदा, वो वीट से ही बना है, और जो शुगर है वो शुगर केन से बना है. उसमें कुछ न्यूट्रिशन वीट और शुगर केन के भी हैं और लॉस्ट इन द प्रोसेस, बट इसमें इन चीज़ों को बनाने से जो वीट और शुगर केन की जो न्यूट्रिशन है वो लॉस हो जाते हैं. हैंस ऑल वी गेट फ्रॉम दिस फूड इज एनर्जी एंड अवर हंगर इज सेटिस्फाइड. हमें फूड से एनर्जी मिलती है और हमारी जो हंगर भी है वो सेटिस्फाइड होती है. ओके, नेचुरली इफ़ वी ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड वी विल गेट इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द आइटम फ्रॉम अदर फूड. अगर हम इस फूड को, जंक फूड को ज़्यादा खाते हैं तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अदर आइटम, अदर फूड ग्रुप को आइटम्स हम नहीं खा पाते हैं. इफ़ दिस हैपन फ्रीक्वेंटली अवर बॉडी सून एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड दे मी लीड टू मेल न्यूट्रिशन. हमको कुछ चीज़ें तो मिल गई, वीट भी मिल गया, शुगर केन भी मिल गया, शुगर भी मिल गई, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि दूसरे अदर फूड ग्रुप में हैं वो हमको नहीं मिल जा पाती हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल की शॉर्टेज हो जाती है, और वो किसका कारण बनती है, मेल न्यूट्रिशन का. जंक फूड ईटन फ्रीक्वेंटली ऑल्सो कॉजेज ओबेसिटी. ओबेसिटी इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. जंक फूड ज़्यादा खाने से हमें ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है. ओबेसिटी मतलब हाई फैट, बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है और वो हमारी हेल्थ के लिए गुड नहीं है. As such food do not supply all the necessary nutrition, they are called junk food. जो food हमारी body में हमारे requirement के अनुसार necessary nutrition नहीं supply करते वो हमारे क्या कहलाते हैं, junk food. Okay? How do avoid obesity? हम कैसे avoid कर सकते हैं obesity को? Have a balanced diet लीजिए. Eat whole grains, eat fruit, वेजिटेबल विद देयर स्किन. जो होल ग्रेन्स है जैसे गेहूं, चावल, राइस, ये खाइए. फ्रूट एंड वेजिटेबल स्किन के साथ खाइए. कई लोग एप्पल खाते हैं लेकिन उनका छिलका उतार देते हैं, लेकिन एप्पल पूरा का पूरा ही खाना चाहिए.
इंक्रीज यूज़ ऑफ बाइसिकल, बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए क्योंकि बाइसिकल चलाने में आपकी एनर्जी यूटिलाइज, कैलोरीज यूटिलाइज होती है. प्ले मोर आउटडोर गेम, आउटडोर गेम भी खेलना चाहिए. डू नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट हंग्री. कई बार हमें भूख नहीं रहती है फिर भी हम खाते हैं क्योंकि वो चीज़ हमें पसंद रहती है, तो इस चीज़ को हमको अवॉइड करना चाहिए. डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग. खाते समय टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि खाते समय जब हम टीवी देखते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं. डू नॉट यूज़ मोटर व्हीकल्स फॉर अ ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें बाय वॉकिंग या बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए, मोटर व्हीकल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. अवॉइड प्री कुक पैकेज फूड, पहले से बना हुआ खाना या पैकिंग फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, फूड में मिक्सिंग, एडल्ट्रेशन दैट मीन फूड में कोई चीज़ें मिक्स की जाती हैं जिनके कारण उनकी जो क्वालिटीज़ है वो कम हो जाती है. इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट चीपर सब्सटेंस ऑफ अ लो क्वालिटी आर मिक्सड विद द फूड स्टैप. ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उस सब्सटेंस को चीप करने के लिए लो क्वालिटी की चीज़ें फूड स्टफ में मिक्स की जाती हैं. दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एडल्ट्रेंट्स एंड एडिंग दैम टू फूड स्टफ इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन ऑफ फूड. वो सब्सटेंस को एडल्ट्रेंट्स कहते हैं और जो फूड रहता है उसको हम कहते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ फूड. एडल्ट्रेंट में इवन बी पॉइजनस और हार्मफुल टू हेल्थ. ये चीज़ हमारे हेल्थ के लिए पॉइजनर भी होती है और हार्मफुल भी होती है. सच एडल्ट्रेंट फूड इज़ इम्प्योर एंड हार्मफुल एंड सो अनफिट फॉर कंजम्पशन. कुछ एडल्ट्रेंट फूड इम्प्योर रहते हैं, हार्मफुल रहते हैं, जो कि हमारे कंज्यूम करने में अनफिट होते हैं. ओके, कुछ फूड आइटम्स यहाँ दिए हैं, उनके एडल्ट्रेंट्स भी दिए हैं, ये आपको लर्न भी करने हैं. मिल्क, मिल्क में वाटर मिलाया जाता है, केमिकल्स मिलाया जाता है लाइक यूरिया और स्टार्च. यूरिया मिल्क को थोड़ा सा गाढ़ा भी करता है, वाइट कलर का रहता है जिससे मिक्सिंग पता नहीं चलती. चिली में ब्रेक पाउडर मिलाया जाता है, रेड कलर का रहता है और ब्रेक भी हमारा रेड कलर का रहता है. पाउडर्ड पम्पकिन, पम्पकिन का पाउडर भी मिलाया जाता है मिक्स करने के लिए. पेपर कॉर्न, पपाया सीड, आइसक्रीम, वॉशिंग सोडा और पेपर पल्प मिलाया जाता है. राइस में स्मॉल वाइट स्टोन मिलाए जाते हैं. पीनट्स में रेडिस, पेबल्स, स्टोन्स मिलाए जाते हैं. इस तरह से ये चीज़ें जो हमारी फूड आइटम डेली में हम यूज़ करते हैं इनमें ये सारी आइटम मिक्स की जाती हैं. एडल्ट्रेंट्स यूज टू एडल्ट फूड आर सच दैट दे विल रिमेन अननोटिस इवन वैन मिक्स विद द फूड. और ये चीज़ें हमें नहीं दिख पाती हैं जब वो फूड में मिक्स करते हैं तो हमें नहीं दिखती हैं. एडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज़ अ क्राइम, डू नॉट ईट एडल्ट्रेटेड फूड. ये एक क्राइम भी है, इसलिए हमें ये फूड ईट नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा फूड्स वगैरह को प्रॉपर चेक करके फिर ही यूज़ करना चाहिए. ओके, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को समझ लीजिएगा, हार्डवर्ड आप नोटबुक में लिख लीजिएगा. नेक्स्ट ओके, थैंक यू.